हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया क्योंकि मैं चूतिया हूँ। अतू नो हमारा जिगरा बड़ा है, तेरा तो गेम बजाना पड़े। हमारा जिगरा बड़ा है, बस कर कांटू। जय श्री राम आप सबको, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वैसे तो पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम से मिर्ची लगती है, मैं जानता हूँ, लेकिन जावेद अख्तर सर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों के अंदर जूलो चिप घुसेड़ के आ गए और उससे पूरा पाकिस्तान जल उठा, धुआं धुआं हो गया। इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर गए हैं पाकिस्तानी आवाम के बीच उनकी राय लेने। ठीक है जी, तो चलिए पाकिस्तानियों को रोते हुए देखते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान आकर उनकी जो स्टेटमेंट थी पूरे पाकिस्तान को हिला दिया गाइस, उनकी स्टेटमेंट ने। गाइस स्टेटमेंट उनकी ये है कि 26/11 का जो अटैक हुआ है उसके अंदर उनका कहना है पाकिस्तान की जमात हाफिज सईद की जमात इन्वॉल्व है। और नहीं तो क्या? गाइस पाकिस्तान के अंदर आकर इतना बड़ा जिगरा करना, पाकिस्तान के लोगों के पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालते हुए ये कहना कि 26/11 के अटैक के अंदर हाफिज सईद इन्वॉल्व है, ये कैसे जुर्रत कर पाई और ये कैसे कर सकते हैं? मौत को छू के टक से वापस आ सकता। 26/11 का जो अटैक था बम्बई के अंदर हुआ था, उन्होंने कहा कि हाफिज सईद की जमात इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर कोई हिंदुस्तानी इस बारे में बात करे तो आपको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ज्यादा इस बारे में सीरियस बात को नहीं लेना चाहिए, वो अपने दुख दर्द को बयान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनके स्टेटमेंट सही है या नहीं? देखिए पाकिस्तान के बारे में जो ऐसी स्टेटमेंट देता है, मेरे ख्याल में हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, हाफिज सईद साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन और मेरा जो व्यू है, जो मेरी सोच है, वो उनकी सोच अपनी जगह है, लेकिन मैं सोच की बिल्कुल भी अकासी नहीं करता। हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है। चल झूठा, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो तो मर्द मुजाहद है और मर्द मुजाहद का किसी आम बंदे से या इस किस्म के बंदे से मेरे ख्याल में कोई मुकाबला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि हाफिज सईद किसी किस्म के किसी भी अटैक के अंदर मुलव्वस नहीं, इन्वॉल्व नहीं है? हाफिज साहब सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं, बस वो इस किस्म के ये जो बातें करते हैं ना लोग के वो मुलव्वस है, कुछ सबूत है उनके पास हैं तो वो पेश करें ना, ऐसी बातें करते हैं इंडिया का मीडिया, बस बाँ 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 करना उन्हें आता है और कोई सबूत उनके पास नहीं होते। हाफिज सईद को दूसरे दिन जनाब हाफिज सईद ने ये कर दिया, हाफिज सईद ने वो कर दिया। हाफिज सईद के इस मुल्क पर जो एहसानात हैं वो लोगों को पता ही नहीं है। क्या एहसानात है सर? सारे एहसानात हैं, ये जो लोगों को अवेयरनेस है, ये जो लोगों को हाफिज सईद इस बंदे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अवेयरनेस फैला रहा है और कितनी अवेयरनेस है वो तो दिख ही रही है, समझ रहे हो? बताया जाता है हमारा दीन में जिहाद है। लानत है तुम लोग पे, लानत। बंदा खुद बोल रहा है कि इनके दीन में जिहाद है, ये फटते रहते हैं, लेकिन जो जावेद अख्तर जी ने बोला उसके नाम से इनको मिर्ची क्यों लग रही है फिर? ये सब दोगलापन है यार। जो बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता, बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। अबे साले, कौन से जिहाद की और सबसे बड़ी जिहाद बताइएगा कब की उन्होंने? सबसे देखे ये दीन के बारे में आपको अवेयरनेस देना, देखे ना वो इतना अच्छा दारा चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं। उस फाउंडेशन का नाम क्या है? टेररिज्म। जलजला आता है, उनकी फाउंडेशन बगैर किसी वो लालच के उधर जाते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। अभी जलजला आया तुर्की में है, ठीक है, तुर्की में आया, उधर लोग नहीं पहुंचे, लेकिन अब सलाब जदगान में देखे कैसे उन्होंने खिदमत की है, ये दहशत गर्दी है। हाँ भाई हाँ। मरते लोगों को पानी देना, खुराक देना, हुकूमत पहुंचने में नाकाम है, वो उधर बैठे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ये दहशत गर्दी है। हाँ भाई हाँ। ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि ये दहशत गर्दी नहीं है यार? वो लोग दहशत गर्द नहीं है, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं यार। चूतिया बनाया तुमको। ये दुनिया को दूसरा रुख दिखाया जाता है, इंडियन लोग दूसरा रुख दिखाते हैं, सीधा रुख हमने दिखाना है यार। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उनकी आप देखें वैंस खड़ी हैं, वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, कोई मुझे बताए, हुकूमत कर रही है। जावेद अख्तर भी तो एक मुसलमान है जो कि इंडियन मुसलमान है, उन्होंने फिर ये पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर ये स्टेटमेंट दी तो कैसे दी? वहाँ पर हमारे फौज मौजूद है, वहाँ पर हम स्टेटमेंट लेते हैं, हमारे जो यहाँ से सियासत देते हैं वो वहाँ जाकर कोई स्टेटमेंट देते हैं? नहीं देते, क्योंकि हमें इतनी पावर ही नहीं है हम स्टेटमेंट दें। वो ये झूठा दावा करें कि हाफिज सईद कर इल्ज़ाम लगा दें, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो भी राइट है? कहीं ना कहीं तो उनके पास भी तो कोई ना कोई सबूत होंगे, तो उन्होंने किसी और जमात का नाम क्यों नहीं लिया? पहली बात तो मेरी ये सुने कि एक दुश्मन है, तो दुश्मन को आप कोर्ट कर रहे हैं कि भाई एक मेरा बंदा मेरा दुश्मन है, तो आप कहेंगे वो आपके बारे में गलत बात, तो जाहिर बात वो गलत बात ही करेगा ना, वो है ही दुश्मन, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छी बात तो वो नहीं करेगा, हमारे पॉजिटिव पॉइंट तो वो नहीं। हमारे मुल्क में कितने धमाके होते हैं देखिए, कितने धमाके, अभी भी धमाका हुआ रिसेंटली,
हम तो नहीं कहते ये इंडिया ने करवा दिया, रॉ करवा दिया, या हम खुल खुला के इसकी इस चीज की जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं करते कि ये इंडिया करवा रहे हैं। ओ भाई, क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट नहीं बनाए जाते, समझ में आया? पाकिस्तान में इसलिए फूट रहे हो, सालो तुम टेररिस्ट बनाते हो, सिखाते हो तुम कि कैसे फटना है, कहां फटना है, क्यों फटना है। और नहीं तो क्या, एक तरफ मान लेंगे कि हम फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं हमारे देश में, लेकिन दूसरी तरफ नहीं मानेंगे कि भाई हम ही कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जाहिलों का टोला, जाहिलों का देश, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हर लाइन से पहले बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान, पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं, बाकी और भी इस्लामिक कंट्री है वो तो कभी नहीं ढिंढोरा पीटते। तुम्हें डाउट है कुछ अपने ऊपर? एक तरफ बोलते हम ईमान वाले हैं, जज्बा वाले हैं, अब कहाँ गया तुम्हारे ईमान जो सच्चाई को नहीं स्वीकार रहे। हमारे मुल्क में कितने होते हैं, राह मुलवस भी है, ये देखो उसका राह का जान भी पकड़ा गया है, वो जो क्या नाम उसका कुलभूषण यादव है, तो क्या किया, कुछ भी नहीं। एक्चुअली ना ये सारी जो भी है ना, आप लोग हाफिज सईद के पीछे पड़े हुए हैं, कुलभूषण यादव का आपने मुकदमा जीता है, सारी दुनिया ने देखा है कि कुलभूषण यादव ने क्या किया है। कुलभूषण यादव को पकड़ कर भी तुम इराक से लाए थे, पाकिस्तान में नहीं था वो, कुछ करने पाकिस्तान नहीं गया था, किसी बिजनेसमैन को पकड़ कर उस पर जबरदस्ती का आरोप लगा देते हो, जबरदस्ती के एलिगेशन लगा रहे हो, जाहिल कहीं के। और जब तुम पर कोई सच भी बोलता है तो मिर्ची लगती है, धुआं उठती है। कुलभूषण ने क्या किया है उसके मामले में आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं, उल्टा आप आते हैं, एक बंदा जो हमारे मुल्क को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, जो हमारे दुखी लोगों की मदद कर रहा है, बजाय उसको अवेयरनेस लोगों को देने के, यार उसकी फाउंडेशन अच्छी है, वो काम कर रही है, आप लोग ये बावर दुनिया कुराने पर तुले हुए हैं सारे लोग कि आफत सही जनाब बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हाँ भाई हाँ, ये बात है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मीडिया वायरल, दुनिया में वायरल है मेरा भाई। आप किसमें जो एक खबर आई है वो खबर मेरे आप तक पहुंचाना फर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदा आ रहा है, वो पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बात कर रहा है। मैंने आपको नहीं बताया, मुस्लिम बीएंगे मुस्लिम, हमारा जिगरा बड़ा है। जिगरा बड़ा तो जावेद अख्तर जी को बोलो कि वो तुम्हारे घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर तुम्हारे मिर्ची लगा के आ गए। मौत को छू के टक से वापस आ सकता, और उस मिर्ची की जलन से तुम रो रहे हो, और ये सब देखकर हमें बड़ा सुकून मिल रहा है, इतना सुकून। कोई भी बंदा किसी भी टॉपिक पे अपनी राय दे सकता है, उसकी अपनी राय है, ठीक है, चुप कर बे कुत्ते। हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। हिंदू लोगों ने किसका सर फोड़ा, जो काम करते हैं ऐसे कि जिनका सर फोड़ा जाए, तो हिंदू तो सिर्फ सर फोड़ के उसके दिमाग का स्क्रू ठीक करते हैं, तुम तो सालों उड़ा देते हो। और काइंडली अगर वो इतना अच्छा कर देते कि ये जो कुलभूषण यादव है जनाब, उसने जो ये काम किया है, इंडिया वालों को भी उसको कंडेम करना चाहिए। अरे बस कर भाई, ये तो बताओ कुलभूषण यादव ने क्या क्या है, तुम्हारी माँ को लेकर भागा है क्या? बस एक ही लाइन बोल रहा है, क्या क्या है, क्या क्या बताओ तो सही, क्या क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। आप इक्वली रख के हर चीज को देखें, ठीक है, उसका मीडिया, उनका मीडिया बां बां करने लग जाता है जनाब, हर चीज को ऐसे तो लेना, ऐसे हम ऐसे तो इंडिया की आरएसएस क्या कर रही है, पता कर रही है, पता नहीं इंडिया की मुसलमानों को खुले खुला वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों को मार, आपकी स्टेटमेंट है ना, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखो आ गया, इनका मानना है कि आरएसएस इंडियन मुस्लिम को मार रही है, और इंडियन मुस्लिम तुम्हारी मार के आ गया पाकिस्तान में जाकर। सालो अब तो सोचो, उन पर जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है तुम्हारी फूटी किस्मत पर, तुम्हारी गवर्नमेंट कर रही है तुम। इंडियन मीडिया बां बां नहीं करती, तुम सालो भों भों करते हो, भों भों। तो मेरे ख्याल में इतने बड़े राइटर आप बता रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा हीरो हाफिज सईद है। टेररिस्ट इनके लिए हीरो है, तो उस देश का बेड़ा गर्क है, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।